हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 3 PM स्ट्रैटेजी जो डिस्कस किया है हम लोगों ने। तो 3 PM स्ट्रैटेजी को ही हम लोग देखने वाले हैं। देखने वाले का अर्थ है कि हम लोग बैक टेस्ट करने वाले हैं। टोटल 1 महीने का बैक टेस्ट होगा ये। पूरे फरवरी मंथ का हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। टोटल 20 ट्रेडिंग सेशन होंगे। लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको कि कितने सी चले, कितने पी चले और कितना SL गया, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो ये चीजें। हम लोग बस यहाँ पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे, पॉइंट्स काउंट करेंगे सिर्फ, और वो चीजें ही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोगों ने अभी हम लोगों को देखना है 1 फेब से देखेंगे। टाइमिंग हमारी वही रहेगी। और देखो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं मैं ताकि चीजें और क्लियर दिखें, क्योंकि उतार चढ़ाव होते हैं उसमें, तो कैसे क्या होता है वो भी हम लोग देख पाए, इसलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। ट्रेडिंग कैसे करना है फिर से मैं आप लोगों को जरूर ये बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग का टाइमिंग जो है हमारा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो वो वीडियो आप लोग जाके जरूर देखना। तो ट्रेड हम लोग जो लेंगे 258 में लेंगे, और बाकी डिटेल वहां जाके देख लेना। बस हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स को ही काउंट करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मे भी 1 घंटे का वीडियो बन जाए, है ना। तो इसलिए वो नहीं करेंगे हम लोग। बस हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ही देखेंगे। तो फर्स्ट फेब है ये। यहाँ आप लोग देखोगे, यहाँ से ही अगर हम लोग काउंट करना स्टार्ट करें तो ये एक अच्छा खासा अप मूव था। फर्स्ट फेब को एक अच्छा खासा मूव था। और फर्स्ट फेब आप लोगों को याद हो तो बजट का दिन था। तो ये जो हुआ डेली ट्रेडिंग सेशन में ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हुआ ये डेली नहीं होता है, इसलिए हम लोग फिर भी इसको जो हुआ वो हम लोग काउंट करेंगे सिर्फ। तो टाइमिंग हम लोगों ने देख लिया, और टोटल यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लगभग 220+ पॉइंट्स सी में मिले हैं। तो सी ट्रिगर हुआ, सी में पॉइंट्स मिले, बट SL नहीं गया। अगली जो डेट है हमारी, अब 2 को हम लोग देख लेंगे क्या रहा कैसा रहा। तो टाइमिंग हमारी वही होगी, 3 बजे के आसपास जो है एंट्री हमारी वैसे ही होगी। और इसमें भी आप लोग देखोगे कि यहां से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 50+ पॉइंट्स इसमें मिले हैं। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, ज्यादा ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग पॉइंट्स को ही काउंट करने के लिए देखेंगे इसको। तो आप लोग अब यहाँ देखोगे, 3 फेब को अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखोगे कि एक अपमूव आया अचानक उछाल, और उसमें भी लगभग कितने पॉइंट्स मिले, तो 40+ पॉइंट्स 3 को भी मिल गए। तो अगली जो हमारी डेट होगी ट्रेडिंग सेशन जो हमारा रहा, सैटरडे संडे को नहीं होता है, इसलिए हम लोग 6 को देखेंगे। यहां भी आप लोग देखोगे ट्रिगर यहां भी क्या हुआ, हमारा सी ही ट्रिगर हुआ। सी ट्रिगर होने के बाद देखो, अगर 258 में अगर ट्रेडिंग हो जाती या ऑर्डर ले लिया होता आपने तो लगभग 28-29 पॉइंट मिल जाते इसमें, है ना। बट ऊपर नीचे होने की वजह से क्या हुआ, अगर 3 बजे के आसपास भी लेते हो तो इसमें 10 पॉइंट्स का लगभग SL इसमें गया है, ठीक है। अगर देखो 258 में अगर ट्रेड कर लिया तब तो प्रॉफिट्स ही बनेंगे, बट 258 से अगर लेट हुए तो 10 पॉइंट्स का SL हम लोग इसमें छोटा रखते हैं, ये आप लोग याद रखना, 10 पॉइंट्स का ही SL रखते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। 6 को देख लिया हम लोगों ने, 7 को अगर देखें तो क्या रहा वो देख लेते हैं। 7 को क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग देखोगे PE ट्रिगर हुआ ना कि CE, और PE में लगभग 60+ पॉइंट्स मिले, ठीक है। देखो इसमें मैं ये भी कह सकता था कि CE में SL गया, बट हम लोग प्रॉपर देख रहे हैं कि सी चलाया पी, है ना। जो भी सच है, जो भी झूठ है, जो भी डिस्कशन से निकलेगा वही हम लोग देखने वाले हैं। इसकी सिर्फ हम लोग ये नहीं करेंगे इसकी
इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे कि सिर्फ सी ही चलता है, तो हम लोग ब्लाइंडली इसको नहीं फॉलो करेंगे, इसलिए पी भी ट्रिगर होता है क्या, वो भी हम लोगों को देखना जरूरी है। तो सेवेंथ को देख लिया हम लोगों ने, पी ही रहा, और एट को देखेंगे। एक चीज हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है सी और पी वाले में। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी लगभग आपका एट को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ देखोगे आप लोग, देखो एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, जो भी ट्रिगर होना रहेगा 3 बजे के आसपास, वो क्या होता है, उसके प्राइस में कमी आती है, वो डिक्रीज होता है, घटता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है, वीडियोस में भी डिस्कस किया है, बट यहाँ भी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ भी देखोगे आप लोग कि पी में लगभग 30+ पॉइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली जो डेट है हमारी 9th को देखेंगे, सी रहा या पी, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग टाइमिंग हमारी वही रहेगी, यहाँ पे लगभग देखा जाए तो सी ट्रिगर किया, बट इसमें 91 से आप लोग देखोगे 71, इट मीन्स आपका एसएल सी में चला गया। तो 10 पॉइंट्स का एसएल है, ज्यादा बड़ा हम लोग एसएल नहीं रखे हैं। और देखो 10 पॉइंट्स का मतलब, अगर 150 के आसपास का जब प्रीमियम लेते हो तो 10 रुपए का एसएल होगा इसमें, ये समझो आप, ठीक है। 10 पॉइंट्स इसमें पॉइंट्स में हम लोग बात कर रहे हैं, बट हमारा प्रीमियम जो हम लोग लेंगे उसमें रुपए की बात होगी, है ना। चलो आगे देखते हैं, अब 10 को अगर देखें क्या ट्रिगर हुआ था, तो यहां देखोगे आप कि यहाँ पे सी ही ट्रिगर हुआ, और लगभग इसमें आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो लगभग इसमें 30+ पॉइंट्स मिल जाते हैं, है ना। तो 30 पॉइंट मीन्स इतना समझो कि 150 के आसपास के प्रीमियम में कम से कम 20 रुपए, तो आपको 15 से 20 रुपए आराम से मिल सकते हैं। अगली डेट 11-12 को ट्रेडिंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग 13th का देखेंगे। यहाँ पे देखोगे आप लोग कि नेकेड आई से भी अगर आप देखो तो यहाँ पे पी ही ट्रिगर हुआ, तो पी ट्रिगर हुआ यहाँ पे। 15th को देखोगे आप लोग तो 30+ पॉइंट्स लगभग इसमें मिले। अगला हम लोग देखेंगे डेट 14th को, अगर हम लोग देखें 14th की अगर हम लोग बात करें, तो यहां भी आपका पी ही ट्रिगर हुआ है, टाइमिंग के बेस पे आप लोग देखोगे, और यहाँ ये नीचे ही गया, तो लगभग इसमें 30+ पॉइंट्स पी में मिले हैं। आगे अगर हम लोग देखें 15th की बात अगर करें, तो यहाँ देखोगे आप लोग 15th को क्या हुआ, तो आप लोग साफ देख सकते हो यहाँ पे कि ये सी ही ट्रिगर हुआ यहाँ पे 15th को, और सी में लगभग 60+ पॉइंट्स लगभग मिले हैं इसमें, तो ये देखने वाली बात है, 60+ पॉइंट्स हैं इसमें। आगे अगर हम लोग देखें 16th को अगर देखें, तो इसमें 16th को यहाँ आप नेकेड आई से भी देख सकते हो, तो इसमें कितना लगभग पी ट्रिगर हुआ और 70+ पॉइंट्स इसमें मिले हैं, तो सी ट्रिगर ही नहीं हुआ, ये भी देखने वाली बात है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना आप लोग, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है वीडियोज में, पहले की वीडियोज में भी जब स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है हम लोगों ने, या बैक टेस्ट किया है, तो उसमें आप लोग देखोगे कि हमने अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया है कि किस कंडीशन में सी चल सकता है या किस कंडीशन में पी चल सकता है आज, वो हम लोग पहले ही लगभग समझ जाते हैं, है ना। तो यहाँ भी देखोगे कि सी ही चला, हम लोग 17th को देख रहे हैं, और लगभग 35+ पॉइंट्स इसमें आसानी से आप ले सकते थे। अगला अगर हम लोग देखें,
18th की बात करें अगर, तो 18th को ट्रेडिंग सेशन नहीं था हमारा, तो 20 की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी देखोगे आप लोग कि 3 बजे, जैसा कि हम लोगों ने देखा ही है, जिसको बढ़ना रहता है वो पहले घटता है। तो अगर मार्केट 2:58 या 3 PM के आसपास ऊपर जा रही है, इट मीन्स पी चलने वाला है। तो यहाँ देखोगे कि 20 को पी ट्रिगर हुआ और 30+ पॉइंट्स इसमें मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, 21 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सी चला, लगभग सी में 25+ पॉइंट्स मिले हैं इसमें। तो 25+ पॉइंट्स इट मीन्स 10 से 15 रुपए आपको 150 के प्रीमियम में, 150 160 के प्रीमियम में मिल सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, 150 से 170 के बीच का प्रीमियम ही हम लोग चूज करेंगे और उसी के बेस पे टारगेट्स को या एसएल को हम लोग बुक करेंगे। एसएल हमारा फिक्स्ड है 10 पॉइंट्स का, टारगेट 10 से 15, 15 से 20 जो भी हो वो लिया जा सकता है। अगली डेट अगर हम लोग देखें तो 22nd को देख लेंगे। 22nd को क्या हुआ वो जरा देख लेंगे। ट्वेंटी सेकेंड यहाँ देखोगे आप लोग, फिर वही नेकेड आई वाली भी बात अगर हम लोग करें तो 22nd को भी पी ही ट्रिगर हुआ या पी ही चला ये भी कह सकते हैं। और इजी वे में 35+ पॉइंट्स आप इसको काउंट कर सकते हो। आगे देखेंगे 23rd को अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी देखोगे आप काफी एक बड़ा एक डाउन मूव यहाँ से मिला और लगभग इसमें आपको 23 को लगभग 70+ पॉइंट्स इसमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली ट्रेडिंग सेशन हमारी 24th को हुई। उस टाइम भी आप यहाँ देख सकते हो कि सी ही चला, सी चला तो लगभग 35+ पॉइंट्स इसमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली डेट हमारी क्या होगी, ट्रेडिंग सेशन हमारा होगा 25-26 नहीं, 27th को देखेंगे। यहां भी देखोगे आप 27th को उतार चढ़ाव के बाद फाइनली सी ही प्रॉफिट देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 40+ पॉइंट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। मंथ का लास्ट डे है, ट्रेडिंग सेशन है ये। यहां पे देखोगे आप लोग एक शार्प अप मूव रहा 3 PM को। देखो यहाँ पे क्या हो सकता था, अगर एंट्री यहाँ ही हो गई लगभग तो 20 से 25 पॉइंट मिल जाते सी में, और अगर टारगेट ना लेके नहीं निकलते तो इसमें मान के चलो आप पी ट्रिगर होता, और पी के कंडीशन में क्या होता, पुट के कंडीशन में क्या। देखो यहाँ पे दोनों चला, दोनों ही चला यहाँ पे। यहाँ से अगर देखोगे तो सी रहा ऊपर गया यहाँ से, तो अगर रूल के बेस पे अगर एंट्री होती 258 में तो सी प्रॉफिट दे देता, और लेट अगर होता तो पी प्रॉफिट देता। तो कुल मिला के दोनों मूव यहाँ पे रहे, हम लोग अगर पी काउंट करें तो 50+ पॉइंट्स इसमें मिले और सी में लगभग 30+ पॉइंट्स मिले। तो कुल मिला के हम लोग टोटल इसको देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग माने कि पी ही चला तो फिर कितने पॉइंट्स मिले वो देख लेते हैं, और सी में लगभग कितने पॉइंट्स मिले वो देख लेंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, क्या हुआ कैसा हुआ, टोटल क्या रहा। टोटल जो ट्रेडिंग सेशन रहे 20 थे, उसमें सी ट्रिगर कितने बार हुआ तो 11 टाइम्स ट्रिगर हुआ, और पी जो है पी 9 टाइम्स ट्रिगर हुआ। सी में एसएल कितने बार गया तो सी में एसएल आपके 2 टाइम्स हिट हुए, पी में एसएल एक भी नहीं। सी में 11 टाइम्स अगर टोटल पॉइंट्स हम लोग काउंट करें
तो 500 के आसपास पॉइंट्स मिले, और माइनस अगर हम लोग पॉइंट करें तो लगभग 20 पॉइंट्स, इट मीन्स 480 पॉइंट्स लगभग इसमें मिले सीई में। और पीई में अगर हम लोग बात करें पीई की, तो इसमें 380 पॉइंट्स टोटल मिले और एसएल कितना गया तो जीरो। तो 380 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है इसमें। और अगर हम लोग फैब के फर्स्ट फैब का अगर हम लोग हटा दें उसको, तो लगभग 220 प्लस पॉइंट्स उसमें थे, जो यूजुअली होता नहीं है। तो फिर ये पी से भी पुट से नीचे आ जाएगा। तो इस मंथ में हम लोग देखेंगे लगभग बराबर रहा, लगभग बराबर रहा, 100% तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग बराबर रहा दोनों में। टोटल 11 ट्रिगर हुए और 9 पुट में ट्रिगर हुआ, 2 एसएल जाने की वजह से लगभग दोनों 9 ही हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ देखोगे लगभग 50-50% ही रहा इसमें फेब मंथ में। तो देखो हम लोगों का काम ये है कि हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी है उसको प्रॉपर तरीके से समझने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली हम लोग फॉलो करें, बट सेटअप के साथ करना है। और कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो तो एसएल के साथ करना है। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि अगर टोटल सी अगर लिया होता तो फाइनल हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 9 ट्रेड सी मिले तो 20 पॉइंट्स या 20 रुपीज ही मिलता है इसमें, तो 180 रुपए होते, जिसमें माइनस क्या करना पड़ता, 160 रुपए टोटल सी में मिलते, ठीक है। और यहाँ पे ही अगर 20 पॉइंट सी पी में अगर लिया होता, 20 पॉइंट सी एवरेज अगर हम लोग बात करें, तो इसमें 180 रुपीज की, हम लोग यहाँ 20 रुपीज की बात कर रहे हैं, तो लगभग 180 रुपए के आसपास पहुंच जाते, क्योंकि इसमें एक भी पुट में एक भी एसएल नहीं गया। इस कंडीशन में फेब मंथ में विनर जो है कहीं ना कहीं पुट ही है। तो चलिए जो भी है हम लोगों ने देखा, और इसी तरह हम लोग स्ट्रेटजी का पोस्टमार्टम करते रहेंगे जैसा कि मैं डिस्कस करता हूँ इन चीजों पे। तो आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छी लगी, एफर्ट्स अच्छे लगे। तो इसी तरह हम लोग देखते रहेंगे, स्ट्रेटजीज को समझते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।